चार किए थे, चार। चौथा मैंने 5 कर दिए थे। हम्म, भी पूरा नहीं हुआ हमसे, है ना। चलो अर्श को बता देते हैं फोर्थ क्या करना है इसमें। अर्श आवाज आ रही है आज? हाँ मैं आगे करूँ ना सर? आ रही है आवाज बिल्कुल सर, बिल्कुल। अर्श इस आ रही है क्वेश्चन सर, में आवाज आ रही है। हम क्या करेंगे देखो, इस तरह क्वेश्चन दिया है, 15 cot A इक्वल्स टू 8, और निकालना क्या है, साइन ए एंड सीकेंट ए, आपको ये चीज निकालनी है। सबसे पहले तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या करते हैं हम, कॉट ए हमने ऐसे ही रखा, कॉट ए इक्वल्स टू 8, और 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके वो डिवाइड करेगा, 8/15 हो जाएगा। अब आपको पता होगा जो हमने कल पढ़ा, पंडित बद्री प्रसाद, कल आपको शायद आवाज नहीं आ रही थी, हर हर बोले, तो यहाँ पे ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, तो साइन को हम लिखते हैं P/H, ध्यान रखना इसका, साइन को लिखते हैं हम P/H। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पार्ट वन में कर दिए है, फोर्थ भी किया था बट कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है, देख लेना उसको। कॉस होता है हमारा B/H और टेन होता है हमारा P/B, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट आएगा आपका B/P, और कॉस का उल्टा सीकेंट आएगा यहाँ पे H/B। आवाज क्लियर आ रही है मेरी? ये सर यस क्लियर आ रही सर। है। कोसिकेंट H/P, तो यहाँ पे आप इधर से देख के यहाँ पे इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर ट्राइंगल इस तरह का है, यहाँ पे 90 डिग्री है, मान लो एंगल ये वाला पूछा गया है इस तरह से, तो याद रखना है एंगल के बिल्कुल जो ये वाली साइड होती है, एंगल के ऑपोजिट साइड इसको परपेंडिकुलर लेते हैं और इसको बेस लेते हैं, हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता। तो जो ये पी यहाँ पे है ये परपेंडिकुलर है, बी बेस है, पी परपेंडिकुलर है, एच हाइपोटेन्यूज, एच हाइपोटेन्यूज और बी बेस, तो ये सिर्फ इस ट्राइंगल से पता लगते हैं हमें, अकॉर्डिंग टू एंगल चेक करना होता है। यहाँ पे देखो हमारे पास कॉट ए कितना आ गया हमारे पास, 8/15। अब हम करेंगे क्या कि एक ये बना दिया हमने राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, मान लो एंगल ए हमने यहां पे ले लिया, तो अकॉर्डिंग टू एंगल ए सबसे पहले तो ये देखो कि कॉट होता क्या है, कॉट होता क्या है, तो यहां पे आओ, कॉट होता है B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे लिख लो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या आया आपका, बेस आपका आया 8 और परपेंडिकुलर आपका आया 15, तो बेस और परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू एंगल ए लिखना है आपको, तो एंगल ए हमने यहाँ पे लिखा है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो बेस होगा ये वाला और परपेंडिकुलर होगा बिल्कुल इसके इधर को, जो अपोजिट में होगा वो परपेंडिकुलर होगा। विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम हाइपोटेन्यूज निकाल देंगे, तो क्या होता है PGT से क्या निकलेगा यहाँ पे, H² = B² + P²। H² हमें हाइपोटेन्यूज नहीं दिया, बेस हमने ले लिया 8² = 64 आ जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर 225 बन जाएगा 15 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा 4 + 5 9, 2 + 6 8, 289 H² है ना, H यहां से आ जाएगा √289, H आ जाएगा 17, 17 × 17 होता है आपका 289, तो यहां से ये भी पता लग गया कि ये कितना आया, 17 आया। अब हमने करना क्या है, अब जब आप बुक में ऐसे क्वेश्चंस देखोगे, ठीक है, तो इसमें कुछ ना कुछ आपको इस तरह से दिया होगा, जैसे ये 15 है तो इसको 15K लिखा होगा, यहाँ पे 8K लिखा होगा, तो ये आ जाएगा 17K। इसका मतलब है कि अगर ये 8/15 है तो ये कुछ कैंसल होके आया होगा, हो सकता है ये 16/30 होता, तो कैंसल करके क्या बना होगा ये 8/15। तो इस 15K 17K होता क्या है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे के से के कैंसिल हो जाएगा, बात वहीं पे आ जाएगी, तो डरना नहीं है कि ये के क्यों लिया गया है, ठीक है, ये पता लगा के लिखा होगा जहां पे, मैं आपको बता देता हूं बुक में के कैसे यूज किया है।
यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर वन में, एग्जाम्पल नंबर वन देखो, अगर आपके पास बुक है, देखा आपने इसमें 4/3, इसमें दिया है 10a = 4/3, 10a = 4/3, तो 10a 4/3 है, तो p/b होता है 10, यहाँ पे देख लीजिए, तो इसके लिए इन्होंने लिखा है 4k/3k। बोलने का मतलब है कि इसके साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो वो कैंसल हो गया होगा, फिर बच गया 4/3। तो जब हम इस तरह से डायग्राम बनाएंगे तो वहां भी इन द फॉर्म ऑफ k लिखेंगे। मान लो हमने यहाँ पे भी लिख लिया एक k के साथ ही, इस क्वेश्चन को करते हैं, तो यहाँ पे मान लो 17k आ गया ये। अब हमें क्या करना है कि साइन a निकालना है। साइन क्या होता है? p/h, तो साइन p/h होता है, तो जल्दी से इसको करेंगे, साइन को, साइन होता है आपका p/h, तो साइन a, यहां पे एंगल a है, ध्यान रखना, तो अकॉर्डिंग टू एंगल a p/h, यहां देखो तो p क्या होगा अकॉर्डिंग टू एंगल a, ये होगा 15k डिवाइड बाय h, तो आपको पता है 17k, k से k कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 15/17। फिर उसके बाद अगर हम secant a निकालते हैं, तो secant a निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहां पे देखो secant a, secant a क्या होता है, जल्दी से देखो, यहाँ पे secant a होता है इसका उल्टा, cos का उल्टा, h/b, तो secant a क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू एंगल a, व्हाट इज बेस, अकॉर्डिंग टू एंगल a दिस इज बेस, मतलब 8k इज बेस एंड यहाँ पे हम सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूस, वो कितना है 17k डिवाइड बाय बेस, हमारे पास कितना है 8k, k से k कैंसिल, 17/8। ये आपको समझ आया कि नहीं आया, इन द फॉर्म ऑफ k हम कैसे करते हैं, विदाउट k भी आप कर सकते हो, आंसर चेंज नहीं होगा, पता लगा कि नहीं लगा? लग गया सर। अर्श, ये फिर चला गया अर्श, चलो भाई फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ में क्या बोला गया है, गिवन secant theta is 13/12, तो secant आपको पता करना है, cos क्या होता है b/h, और secant बिल्कुल इसका उल्टा h/b, तो हमें दिया गया है 13/12, तो हमें पता लग गया यहाँ से h 13 है, b 12 है, तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल में हम अकॉर्डिंग टू दिस जो जो ये दिया है हमें, उसके हिसाब से हम, ये हमारे पास ये बन गया, तो यहाँ पे करना क्या है कि 13 आपका आ जाएगा h, और इसमें देखो इसमें कोई भी एंगल आपको नहीं दिया गया, थीटा लिखा है यहाँ पे, तो आप सिंपली मान लो थीटा ये वाला ले लिया आपने, ठीक है, ए बी सी इसमें नहीं लिखा गया, तो ए बी सी, तो अकॉर्डिंग टू इसके हिसाब से ये होगा आपका 12 बेस होगा, तो विद द हेल्प ऑफ पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम से आप विद द हेल्प ऑफ पीजीटी, तो ये बन जाएगा 13² = 12² + bc², hypotenuse² = base² + perpendicular² 169 = 1644 + bc². तो ये बन जाएगा 169 - 144 = bc². Then 9 - 4, 5, 6 - 4, 2, 25 = bc². Your bc will be 5. So हमारे पास यहाँ पे आ गया 5. Again जैसे मैंने बोला आपको कि ये ऐसे भी लिख सकते थे आप 13k and 12k. फिर ये 5k आना था, फिर वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो जैसे हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो BC कितना आ गया 5। अब हमारे पास हर एक साइड आ गई इसकी,
जब हमारे पास तीनों साइड्स है तो हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो हमें दिया गया है सीकेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, साइन थीटा, यहाँ पे ए बी सी नहीं लिखा गया है, थीटा लिखा गया है तो हमें भी वही लिखना है, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, ये हमारे पास छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जिसमें से सीकेंट हमें गिवन है। हमें पता है कि बिल्कुल उल्टा इसका होता है कॉस, तो सीकेंट अगर हमारा 13/12 है तो ये क्या होगा 12/13। सबसे पहले तो हमने ये निकाल दिया, ये कितना था दिया हुआ 13/12, तो इसका उल्टा आ गया कॉस। बचा क्या साइन थीटा, साइन क्या होता है P/H, तो P कितना है इसमें 5 और H कितना है 13। टेन होता है P/B, याद रखना है भैया आपको, तो टेन थीटा P/B होता है, P हमारे पास है 5 और B हमारे पास है 12। कॉट होता है बिल्कुल टेन का उल्टा, तो ये आ जाएगा 12/5। और कोसिकेंट होता है साइन का बिल्कुल उल्टा, कोसिकेंट और साइन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो ये आ जाएगा 13/5। तो ये क्लियर हुआ क्वेश्चन कि नहीं हुआ? ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब है जो आपको दिया है आपको बाकी निकालने हैं। ओके क्लियर हो गया। तो अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर दिया नहीं? अच्छा ट्राई किया, किया सर, पर इसमें सिमिलैरिटी लगनी है तो वो थोड़ा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6, एक मिनट में अर्श से बात करूं। चलो करते हैं इसको। इफ एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी इक्वल नहीं दिया यहाँ पे, ऊपर देखो एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स क्या हो गए लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, और ग्रेटर देन कितना है 0, 0 से बड़े और 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, उसको बोलेंगे हम एक्यूट एंगल। तो यहां पे हम अगर देखें कॉस ए कॉस बी बताया गया है, कॉस ए कॉस बी के बराबर है, देन शो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल तैयार करते हैं, ये हमारे पास तैयार हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं इसकी ए बी सी, जहां पे आपको अच्छा लगे वहां पे करना, बट एक चीज याद रखना कि ए और बी में से कोई भी इस प्लेस पे नहीं आ सकता, बिकॉज ए एंड बी बोथ आर एक्यूट एंगल्स, तो एक्यूट का मतलब होता है लेस देन 90, तो यहाँ ना तो ए आ सकता ना बी आ सकता, तो यहाँ पे आएगा आपका सी। तो याद रखना यहाँ पे क्या आएगा सी, तो ए और बी कहाँ पे आएगा आपके, ए यहां पे लिख लिया आपने, या फिर ए कहां लिखा टॉप में लिख लिया, आपकी मर्जी है, और बी यहां पे लिख लिया, कहीं भी लिख लो, इससे क्या होगा कि आपका ये वाले एक्यूट बन जाएंगे एक्यूट एंगल्स। अब बोला क्या क्या है कि कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, दिस इज गिवन, सो कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी। अब जल्दी से कॉस का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, B/H, और कॉस का यहां भी क्या होगा B/H, बट अकॉर्डिंग टू एंगल ए एंड एंगल बी बेस विल बी डिफरेंट, यहाँ पे बेस अलग होगा यहाँ पे बेस अलग होगा, अगर इक्वल होते तो कैंसल हो जाता। तो अकॉर्डिंग टू एंगल ए व्हाट इज द बेस, अकॉर्डिंग टू एंगल ए ए सी इज द बेस, अकॉर्डिंग टू एंगल ए ए सी इज द बेस एंड दिस विल बी परपेंडिकुलर, तो हम बेस वो लिख लेंगे जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू एंगल ए आया, तो वो आया ए सी, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है ए बी इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू एंगल बी व्हाट इज बेस, अकॉर्डिंग टू एंगल बी बेस इज बी सी, हाइपोटेन्यूज ए बी,
ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाता है, बहुत सिंपल है। ए बी से ए बी आपका कैंसिल हो जाएगा, ए सी इक्वल्स टू बी सी। ए सी और बी सी आपके इक्वल आ गए, तो ए सी और बी सी जब इक्वल हो गए तो एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल बी के, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। पता लगा क्वेश्चन का? यस सर। तो बस इतना था, इसमें सिमिलैरिटी नहीं लगनी थी, ठीक है? आगे बढ़े क्या? वो भी क्या हो गया, ये ध्यान कहाँ है, ये तो पूछा था एंगल इक्वल्स टू एंगल बी है, आसान था। हाँ बस थोड़ा सा ध्यान देना है, भूल जाते हैं इसको, इसको करने का जो, जो ये है ना। ठीक है, इसमें सिमिलैरिटी नहीं लगा देना, इसको डिफिकल्टी बना देना। एग्जांपल टू है वैसे, ये भी वैसे ही होगा। एग्जांपल टू, ओके, जस्ट नहीं, एग्जांपल टू में थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, इसमें सिमिलैरिटी लगी है, ठीक है? ये भी करेंगे हम, ठीक है? ये हाँ, ये भी हो जाएगा, इसी तरह होगा, ये भी सिमिलैरिटी की जरूरत नहीं है इसमें। इसमें देखो साइन बी निकाला गया है पहले, फिर साइन क्यू निकाला गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू दिया है क्वेश्चन में, इसलिए हमने वो इक्वेट कर दिया। अब इक्वेट करने के बाद हमने क्या किया, वो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये इक्वल्स टू के इसलिए लिया, इक्वल्स टू के इसलिए लिया क्योंकि कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं दोनों इक्वल है आपस में, तो किसी ना किसी कॉन्स्टेंट के बराबर इसकी वैल्यू होगी। इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? ये भी डिफिकल्ट नहीं है, बट इम्पोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, ठीक है? अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सर सुनो। हाँ जी सर, इसमें 6 जो हमारा अभी किया हमने और जो एग्जांपल 2 है सेम ही नहीं ऑलमोस्ट? हाँ ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ पे जब आप नीचे करोगे ना, ये जो 1 और 2 इन्होंने लिखा है यहाँ पे, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अंडर रूट वगैरह, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है आपको। वैसा कुछ नहीं है, ये जो 1 आपके पास आया है, 1 जो दिख रहा है आपको, करा देना सर बाद में। हाँ चलो बाद में करते, ठीक है? चलो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7th भाई इजी है। कॉट थीटा दिया गया है 7/8, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉट क्या होता है, b/p, कॉट क्या होता है b/p, और वो दिया है 7/8। तो आपको पता है बेस 7 होगा एंड परपेंडिकुलर 8 होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना देना है, राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना दिया। With the help of this right angle triangle, यहां पे देखो ये वाला बेस आ जाएगा। अगर हम एंगल इसमें थीटा दिया गया है, तो थीटा हम यहां पे ले लेते हैं, तो थीटा अगर ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस आपका 7 ये होगा। विद द हेल्प ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर वील कैलकुलेट हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हमने मान लो विद द हेल्प ऑफ के कर दिया ये, तो हम पूरा क्वेश्चन इसके हिसाब से करते हैं। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम करेंगे 8k² या फिर ऐसे लिख लो, यहाँ पे नेमिंग भी कर दो इसकी, ए बी एंड सी। तो यहाँ पे कर दिया h² = b² + p² h² = ac² √113, बिल्कुल सही है, ठीक है? तो हमें करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास आ गया इसका यही आएगा, √113 ही आएगा। ये आएगा ac = √113, तो इसको लिख लिया हमने 113, k भी होगा साथ में, ठीक है? ठीक है सर। नहीं लगा पता k कैसे होगा? नहीं सर पता है। हाँ बट यहाँ पे एक चीज है कि k जो होगा ना वो बाहर होगा यहाँ पे,
ये भी एक समझने वाली बात है, जरूरी है? हैं? नहीं इतना जरूरी नहीं है, बट जब क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको पता लग जाना चाहिए। मैं बता देता हूँ एक बार कि किस तरह से करते हैं। ये बुक में इस तरह से की होते हैं, इसका मतलब है कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हुआ होगा इसके साथ। अगर आपको नहीं समझ आए तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो 7/8 है, इसका मतलब ये हो सकता है ये 14/16 हो, फिर इन्होंने कट किया हो 7 × 2 = 14, 8 × 2 = 16, 7/8 आ गया। तो इसकी जगह जो ये इन्होंने कैंसिल किया, कैंसिल क्या किया इन्होंने, यहाँ पे 2 से किया, यहाँ भी 2 से किया, तो मतलब 2 कैंसिल कर दिया, तो क्या बच गया हमारे पास 7 एंड, मतलब इस तरह से 7 × 2 लिख सकते थे, नीचे इसको 8 × 2 लिख सकते थे 16, फिर 2 से 2 कैंसिल, 7/8 बच गया। बट इस 2 को ये क्या लिखते हैं कि कोई ना कोई कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हुआ होगा इसके साथ, जो कैंसिलेशन हो गई होगी। तो अगर इसको कैलकुलेट इस तरह से करना है तो आपको एंड तक वैल्यू के की ले जानी पड़ेगी। जैसे आपने यहाँ पे √1113 निकाला तो ये गलत हो जाएगा, फिर आपके आगे कैंसिलेशन नहीं होगी। देखो कैसे h² = यहाँ पे b² देखो क्या बन जाएगा, b² 49k² इस तरह से बनेगा, p² 64k² तो h² बनेगा 113k², ठीक है। एच कितना बन जाएगा, के स्क्वायर का के बाहर आ जाएगा, 113 अंदर फंस जाएगा, बिकॉज के स्क्वायर इससे स्क्वायर रूट कट जाएगा, जब इसके इस तरह से था ये के स्क्वायर ऐसे करके, ठीक है, फिर हमने के स्क्वायर से काट दिया, बोलने का मतलब है के इससे बाहर आ जाएगा। आया समझ? आ रहे सर। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया, ये के स्क्वायर था, फिर h = 113k² था, फिर एच बन जाएगा k × 113, तो इस तरह से आएगा। अब हमें क्या निकालना है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे 1 + sin θ, तो आपको साइन थीटा की जरूरत है सबसे पहले, तो साइन थीटा हमने निकाल दिया, साइन थीटा p/h आया, तो p हमारे पास है कितना 8k, और h कितना है k113, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि k से k कैंसिल हो गया, तो 8/113 आ गया हमारे पास साइन थीटा, और हमें जरूरत है कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा भी निकाल देते हैं, कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा b/h, b/h क्या होता है बेस, बेस कितना है 7k, और h कितना है 11k × 113, k से k कैंसिल, 7/113 आ जाएगा। अब हमें करना क्या है कि पुट कर देनी है वैल्यू। सबसे पहले तो यहाँ देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है a + b × a - b का, तो ये बन जाएगा a² - b² इस तरह से, और नीचे भी ऐसे ही बन जाएगा a² - this, तो इसको लिख सकते हैं हम 1 - sin²θ और 1 - cos²θ। अब हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकाल देना है, तो वैल्यूज पुट कर देंगे क्या आ जाएगा, 1 - sin²θ मतलब 8/√113² / 1 - cos कितना आया था हमारे पास 7/113² ठीक है। तो जब यहाँ पे करेंगे तो इस तरह से सॉल्व होगा, ये 1 - 16/113 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बनेगा 8 × 64 होगा 49/64, ठीक है, ये कितना होगा 64, और ये आएगा 49/113। अब हमारे को इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया, तो ये बनेगा 113 ऊपर होगा 64, 113 - 64, और नीचे जब करेंगे तो 113 एलसीएम ऊपर होगा 113 - 49। आपके पास आंसर भी आ गया, तो 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 49/64, यही आया क्या? यस सर, ये आंसर आएगा आपके पास।
अगला सीधा सीधा है, देखो हमें कॉट थीटा दिया गया है, हमें सिर्फ स्क्वायर करना है, तो इसका आंसर होगा 49/64। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। क्वेश्चन नंबर एट में देखो, 3 cot A = 4। सीधा सीधा यहां से cot A = क्या हो जाएगा, 4/3। अब हम के की वैल्यू, के की तरह इसको सॉल्व नहीं करेंगे, के के साथ नॉर्मली सॉल्व करेंगे, तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं जल्दी से। इस तरह से ट्रायंगल ले लिया, एक नेमिंग भी कर देते हैं इसकी, ए यहां पे रखते हैं। जो एंगल यहाँ पे दिया होगा, हमेशा कोशिश करना कि वो इधर रहे, यहां से फिर सिंपल रहता है क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है फिर। जैसे हम नॉर्मली देखते हैं, ये परपेंडिकुलर बन जाता है, ये बेस होता है, और नॉर्मल ट्रायंगल में भी ऐसे ही हम करते हैं। तो कोशिश करना कि यहीं पे आप ए रखें, फिर बी और सी। जो एंगल यहाँ पे दिया होगा वो यहाँ रखना है, ए हो सकता है, सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे cot A 4/3 दिया है, तो आपको पता है cot is b upon p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जस्ट अपोजिट टू tan। tan होता है p/b और cot होता है b/p, दिमाग में डाल दो इसको। तो यहाँ पे बेस हमारे पास 4 है, तो अकॉर्डिंग टू दिस एंगल ए, व्हाट इज बेस, बेस इज 4 एंड परपेंडिकुलर विल बी 3। विद द हेल्प ऑफ PGT, h² = b² + p² h is your ac square, base is 4² + 3², ac² = 16 + 9, ac² = 25, ac will be ±25। माइनस वाला रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि किसी चीज की लेंथ अब निकाल रहे हैं, इसलिए इसको पॉजिटिव ले लेंगे, ac will be 5। सारी साइड्स हमारे पास आ गई, हमें करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमें निकालना है tan, फिर यहाँ पे पुट कर देंगे, तो tan थीटा निकाल देते हैं, tan थीटा। अब आपको पता है tan थीटा यहाँ पे बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है, cot का उल्टा होता है, तो tan थीटा तो डायरेक्टली निकल जाएगा 3/4। ठीक है, करने की जरूरत भी नहीं है, अगर करना भी है तो tan थीटा नहीं था, tan a निकलना था। ये भी देखिए आप, यहाँ पे थीटा की जगह ए है, तो tan ए अकॉर्डिंग टू दिस परपेंडिकुलर इज 3 एंड बेस इज 4, 3/4। और अगर ऐसे भी देखे cot का उल्टा, तो भी ये 3/4 ही बनेगा। और हमें चाहिए cos a होता है b/h, तो b कितना इसमें, b है इसमें 4 और h है इसमें 5, तो 4/5। फिर हमें sin a की भी जरूरत है, तो p/h, तो p इसमें ये है, 3/5 आ गया। अब हमें पुट करना है, यहाँ पे देखना ये इक्वल आया कि नहीं आया, तो हम इधर लेफ्ट साइड करते हैं इसको, इधर 1 - tan²a, tan कितना आया हमारे पास, tan यहाँ पे देखिए 3/4, तो 3/4² और डिवाइड बाय 1 + 1 + tan होल स्क्वायर। इक्वल प्रूव करना है cos²a, इसका हम सबसे पहले LHSC निकाल देते हैं, फिर राइट हैंड साइड निकालेंगे, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व करके क्या आएगा देखते हैं। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 1 - 9/16 / 1 + 9/16। जब हम इसका LCM निकालेंगे तो ये आ जाएगा 16, ऊपर बनेगा 16 - 9, और नीचे होगा 16, ऊपर बनेगा 16 + 9, 16 से 16 कैंसिल, 7/25। ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम चेक करेंगे राइट हैंड साइड, ये वाली, कि ये भी इतनी आई कि नहीं आई। तो cos² कितना है हमारे पास, यहाँ देखिए 4/5² माइनस sin²a, साइन इज 3/5² सो इट विल बिकम 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम विल बी 25, 16 - 9, 7/25, इट मीन्स LHS = RHS।
समझ आ गया आपको? आ गया सर। आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी देन टेन ए इक्वल्स टू दिस। जल्दी से इसको खुद करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, इसको जल्दी से खुद करो और मुझे बताओ कि क्या आया आंसर। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। इस तरह राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ए यहां पे ले लेंगे तो पी हमारा वन हो जाएगा, बी हमारा रूट थ्री हो जाएगा। सॉल्व करके रूट थ्री का स्क्वायर होता है थ्री प्लस वन फोर, ये आ जाएगा टू। उसके बाद जल्दी से वैल्यू निकालो साइन ए की कॉस सी की। एंगल देख लेना एंगल, फिर इन दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, फिर इसकी और इसकी निकालो, वो भी मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को प्लस कर दो, क्या वैल्यू आई, फिर ये भी वैसे ही निकलेगा। जल्दी से करो सॉल्व इसको। ठीक है, मुझे बताओ फिर आपके पास साइन क्या आया, साइन ए कितना आया, साइन ए कितना है? साइन ए है सर 1/2। 1/2 और इंटू कॉस सी भी 1/2। 1/2 प्लस 1/√3। जी सर, रूट थ्री, रूट थ्री बाय टू, रूट थ्री बाय टू, और ये भी होगा रूट थ्री बाय टू, तो ये बनेगा 1/4 प्लस 3/4, 4/4 वन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि रूट थ्री इंटू रूट थ्री होता है थ्री। यस सर, यस सर। ठीक है ना, तो इसी तरह बाकी भी निकाल देना वैल्यूज। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10th। इन ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल दिया है, जल्दी से उसको बना देते हैं, वो भी आप खुद कर लोगे अगर आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया। इस तरह से आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इसमें पी क्यू आर लिख लिया। और पी क्यू आर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कैसे लिखोगे? यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप पी आर क्या, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल एक ले लिया, अच्छे से लेना है राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे हमारा आ जाएगा P और यहाँ पे राइट एंगल डेट Q है, तो Q यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, और PQR। ठीक है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल डेट Q, PR प्लस QR इज 25। ये चीज देखनी है, PQ यहाँ से दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर, तो ये तो सीधा सीधा 5 सेंटीमीटर ले सकते हैं। यहाँ पे जो ये इक्वेशन दी है, यहाँ से आप क्या करोगे, ये सीखने वाली बात है। पी आर प्लस क्यू आर इज 25 सेंटीमीटर, यहाँ से आप पी आर निकाल दोगे, वो आ जाएगा 25 माइनस क्यू आर। तो मतलब पी आर आपका आया 25 माइनस क्यू आर। अब इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। आप यहाँ से पी आर की जगह क्यू आर भी निकाल सकते थे, आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, तो पीजीटी जब लगाएंगे ये बनेगा 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये क्यू आर ही है। तो यहाँ पे 625 ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा और ये बन जाएगा 50 क्यू आर प्लस सॉरी माइनस 2ab माइनस 2ab मतलब 50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल्स टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 625 माइनस 25 इक्वल्स टू 50 क्यू आर। तो यहां से 600 इक्वल्स टू 50 क्यू आर, 50 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 12। ठीक है, इक्वल्स टू क्यू आर, तो क्यू आर आपका 12 आ गया, मतलब ये 12 आ गया, तो ये कितना आएगा 25 माइनस 12 13। तो तीनों साइड्स आपके पास है, जो भी इसमें पूछा गया है साइन पी,
साइन पी क्या होगा, पी अपॉन एच। अकॉर्डिंग टू एंगल पी परपेंडिकुलर क्या होगा 12, और एच तो आपके पास पता है कितना है 13। तो इसी तरह आप निकाल सकते हो बाकी भी। निकाल दी सर। हाँ कॉस क्या है आपके पास? सिर्फ कॉस बी अपॉन एच होता है ना, कॉस आया सर हमारा 5/13। हाँ क्योंकि ये पी है तो पी के बिल्कुल ये वाला होगा और बेस, ये टेन आया परपेंडिकुलर। 12/5।